हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है सूजी का चीला। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी डिश है ये। बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये डिश। मैं खुद ये डिश सबसे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, उसे ये बहुत पसंद है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मेरी बेटी कैसे इस डिश को इंजॉय करके खाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूजी का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी सूजी लेंगे। मैंने छोटी कटोरी से एक कटोरी सूजी लिया है और उसी कटोरी से हाफ कटोरी मैंने दही लिया है। हमेशा याद रखना है कि जितना जो अमाउंट सूजी का हो, जस्ट उसका हाफ अमाउंट हमारा दही का होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है, एक टमाटर को बारीक काट लिया है और दो तीन हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल उस सीज़न में आपको मिल रहा है वो आप ऐड करो, और पनीर भी ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास प्याज और टमाटर ही था तो मैं इससे ही बना रही हूँ। अब हम सूजी में दही मिक्स कर देंगे, उसके बाद जो मैंने एक प्याज बारीक काटा था वो डाल देंगे, फिर टमाटर डाल देंगे। और मैं यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सूजी का चीला है वो मैंने अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो उसे तीखा पसंद नहीं है। और वैसे भी यूजुअली बच्चों को तीखा पसंद नहीं होता है, तो अगर आपको अपने लिए बनाना हो तो आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करके मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डालेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो गया है और हमारा मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से सेट हो गया है, तो अब इसे हम कुक कर लेंगे। एक फ्राई पैन में सबसे पहले हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हम अपने मिक्सचर को फ्राई पैन में डालेंगे कुछ इस तरह से। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे। अब ऊपर से भी हम कुछ इस तरह से ऑयल लगा देंगे और फिर उसके बाद हम इसे पलट देंगे। अब दूसरे साइड से भी हम इसे ऐसे ही पकने देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखना है, 2-3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से कुक हो गया है, तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको किसी भी चटनी लाइक ग्रीन या रेड चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर सॉसेस के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ पे टमाटो सॉस के साथ ले रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।